अरे मुलर, क्या हो रहा है? तुम इतने उदास क्यों हो? मैं बस बोर हो रही हूँ। यहाँ पर तो कुछ भी दिलचस्प नहीं हो रहा। मैं दिन भर भेड़ों के साथ अपना दिन बिताती हूँ, जबकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उफ। देखो, मेरी दोस्त चिली वहाँ पर ऊपर से बहुत कुछ देखती है। वो एक बेहतर रखवाली है। मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रही हो मुलर, लेकिन ये मत भूलना हमेशा काम ही मायने रखता है। मेरे पिताजी मुझे वाशों के रहस्य सिखा रहे थे जब मैं बहुत ही छोटी थी। अब मैं किसी को भी हरा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी कौशल का अभ्यास करने के लिए कोई नहीं है। क्या ऐसे ही जिंदगी बिता दूँ इन भेड़ों को देखकर? लेकिन तुम एक लड़की हो, तुम्हें असंभव कामों का सपना देखना बंद करना चाहिए। लड़की होने का इससे क्या लेना देना है? आपके लिए बात करना आसान है, आप उड़ सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। खैर, ये तो देखने का तरीका है, लेकिन मैं हमेशा मैं ही रहूँगा। मैं एक कुत्ता या गधा होने का सपना नहीं देख सकता। और ये तुम्हारी समस्या है मुलन, असल में तुम्हें लड़की होने में कोई खुशी नहीं है, तुम तो एक योद्धा बनना चाहती हो। हाँ चलो, चलो, सब चलो, चलो।
ऐसा लग रहा है कि मुलन झुंड को घर ला रही है। कुछ तो हुआ होगा, मैं उसे मिलने के लिए बाहर जाता हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कुछ बुरा ना हुआ हो। जाओ दरवाजा खोल के भेड़ों को अंदर ले लो। चीली बुरी तरह घायल हो गई। चिंता मत करो मूलन, वो ठीक हो जाएगी। चील को मारना इतना आसान नहीं, वो मजबूत पक्षी होते हैं। एक काम करो, इसके लेटने के लिए नरम और गरम बिस्तर बनाओ। सारी मेरी गलती है, मुझे और भी सावधान रहना चाहिए था, वरना वो हमला नहीं करते। आप यहाँ के विशेषज्ञ हैं। आपने जनरल हुआ के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये कब तक ठीक होगी? आपको क्या लगता है? घाव गहरे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा खाना और बहुत सारे आराम के साथ ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ओह, काश कि ऐसा ही हो। क्या आपको यकीन है? हाँ, चिंता मत करो, लेकिन कल सुबह तुम्हें पहाड़ों में जाकर कुछ जड़ी बूटियाँ लानी होगी और उससे दवाई बनानी होगी। अगर तुम हर रोज उसके घाव पर दवाई लगाती हो तो उसका घाव जल्दी ठीक हो जाएगा और मुझे विश्वास है वो सर्दियों तक फिर से उड़ने लग जाएगी। मुझे लगता है कि हम उसके लिए जो भी कर सकते थे हमने किया। उसे आराम करने दो, चलो अब हम खाना खा सकते हैं। जनरल हुआ ठीक कह रहे हैं, कल मैं मूलन को जड़ी बूटी लेने के लिए पहाड़ों में ले जाऊंगा। रुको, मैं भी जड़ी बूटी ढूंढने तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। नहीं यूसुफ, आपका काम यहाँ रहकर चिली की देखभाल करना है। अपनी ताकत बचाओ चिली, तुम ठीक हो जाओगी। बस आराम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैं अपने काम को गंभीरता से नहीं ले रही थी। सुबह होते ही जड़ी बूटी लेने निकल जाएंगे। कल तो तुम्हारे लिए बहुत थकान भरा दिन होगा मूलन, तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं जागता रहूंगा।
मुझे बहुत अच्छे खाने की महक आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर कोई है जिसने बहुत सारा खाना जमा कर रखा है और अब हमें रात का खाना मिलेगा। अरे अरे अरे, हमारे पास यहाँ ये क्या है? दो छोटे चूहे जो अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। बीच में टांग मत अड़ाओ बेवकूफ, हमें बहुत से काम करने हैं। मुझे जाने दो, मेरी पूछ को छोड़ो वरना पछताओगे तुम। वहाँ क्या कर रहे हो? इस घोड़े ने मेरी पूछ दबा रखी है, मदद करो। अगर तुम चिल्लाना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सर का कचुंबर बना दूंगा। आ, आ। बस करो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। बेवकूफ चैंग, रुक जाओ। जैसा आप कहे हुजूर। ये बेहतर है। अब ध्यान दो, मुझे पता है तुम्हारी बाकी की टोली बाहर छुपी हुई है और तुम यहाँ तलाशी लेने आए हो। तो अब मैं तुमको दो रास्ते देता हूँ। एक, तुम बाहर जाओ और अपने साथियों से कहो कि खलिहान में कुछ भी दिलचस्प नहीं है। और दूसरा रास्ता यह है कि तुम यहाँ रहो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अपने खुरों के साथ तुम्हारा भरता कैसे बनाता हूँ। देखना चाहोगे तुम मेरी बात तुम्हारे भेजे तक गई या नहीं? चलो भागो यहाँ से, वरना मैं पहला रास्ता भूल जाऊंगा। हमारे यहाँ से निकलने में ही भलाई है चैंग। लेकिन खाना। चलो चैंग, निकले यहाँ से। बताओ तुम लोगों को वहाँ क्या मिला? आप बताइए बॉस, हम तो तैयार हैं, हम इस जगह को लूटेंगे। आप मुखिया हैं, आप आदेश करें। आदेश ये है कि हम वहाँ से दूर रहें, हम गलत जगह छेद बना रहे हैं। मेरी बात तो सुनो, और वो उस खाने की खुशबू के बारे में क्या हुआ? अब अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम्हें ही खाना बना के खा जाऊंगा। लेकिन हम तो खाना सूंघ सकते हैं बॉस। कितनी बार कहा है कि मैं तुम लोगों का मुखिया हूँ, उस जगह से दूर रहो। बस खाना उस तरफ है। मुझे सही जगह पता है। मैं एक जड़ी बूटी से भरी हुई घाटी में पैदा हुआ था। मुझे पता है उजल, हम वहीं जा रहे हैं। देखो, कह रही हो यहाँ तो कोई झरना नहीं है। हाँ, मैं सपना देख रही हूँ शायद। तुम सपना नहीं देख रही हो मुलन, वो रास्ता ही सही है। फिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम जल्दी जाकर वापस आ जाएंगे। उस झरने के दूसरे तरफ औषधि जड़ी बूटी है जो चिली को जल्दी ठीक कर देगी। चलो चलते हैं।
ठीक है, अब हम यहाँ से जड़ी बूटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। उजल, एक ऐसा पौधा जिसकी हरी भरी पत्तियाँ हों और लंबे लंबे फूल हों। चलो चिल्ली, खा लो, तुम अब बेहतर लग रही हो। मुझे लगता है तुम्हारे पंखों का प्रयोग करने का समय आ गया है। हम यहाँ है चिली, चलो देखते हैं तुम्हारे पंख पूरी तरह से ठीक हुए हैं कि नहीं। जाओ। ये क्या चल रहा है? ऊंटों का वो झुंड दुखी क्यों दिखाई दे रहा है? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जनरल बियर्ड और उसकी सेना ने हमारे क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और जो भी उनके रास्ते में आ रहा है उन्हें वो नष्ट कर रहे हैं। मेरा परिवार बच गया और अब उन्हें सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहा। कितनी भयानक खबर है, इसका मतलब युद्ध हुआ होगा। हमारे सैनिक कहाँ है? मैंने देखा कि कुछ सैनिक हमलावर के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं था क्योंकि जनरल बिग बेड के आदमी जंगली राक्षसों की तरह लड़ते हैं। मुझे जल्दी से घर जाकर ये खबर बतानी होगी। फिर मिलेंगे, आप लोग संभल कर जाना। इससे ज्यादा मत तोड़ो चिली, अब घर चलो।
बर्फ इस बार तो बहुत जल्दी आ गई। मौसम काफी खराब हो रहा है, मुलन को अब तक आ जाना चाहिए था। वो जल्दी ही घर आ जाएगी, वो खुद की देखभाल करने लायक हो गई है। समझ में नहीं आता मुलन ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, वो गांव की बाकी लड़कियों की तरह क्यों नहीं रहती। ये जरूरी नहीं कि वो बाकी लड़कियों की तरह हो, मुलन एक होशियार और जिम्मेदार लड़की है और वो बहुत बहादुर भी है। ओ, कितनी बर्फ गिर रही है, ऐसे में भी ये लड़की बाहर घूम रही है। मैं देख के आता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरा पैर नहीं टूटा होगा। कोई मेरी मदद करो। पिताजी आप वहाँ नीचे क्या कर रहे हैं, आपको क्या हुआ? अच्छा हुआ तुमने मुझे सुन लिया, मैं फिसल गया और गिर गया था। मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और शायद ये टूट गया है। आप हिलिए मत पिताजी, मैं आपकी मदद करने आ रही हूँ, थोड़ा रुक जाइए। गया, मेरा सहारा ले लीजिए। ज्यादा दूर नहीं है, हम घर पहुंचते ही वैद्य जी को बुला लेंगे पिताजी। चलो जल्दी चलो यहाँ से।
तुम मेरा इतना ध्यान मत दो, ये केवल एक छोटी सी चोट है, कुछ भी गंभीर नहीं। तुम देखना, मैं एक हफ्ते में अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और बहुत जल्दी अपने काम पर लग जाऊंगा, मुझे बहुत सारे काम हैं। ये बहुत अच्छा है कि मेरे बैठे बैठे सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अब बहुत हुआ। सब्र रखिए पिताजी, आप थोड़ा पैरों को आराम दीजिए। वैद्य जी ने कहा है आप पैरों को जितना आराम देंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। तुम नहीं जानती कि मेरे जैसे आदमी के लिए इस तरह लेटे रहना कितना मुश्किल है। ओह आइए ऑफिसर, अंदर आइए, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ मुझे भी, पर इस बार एक बुरी खबर देने आया हूँ। मैं जनरल हुआ से बात करना चाहूंगा, क्या वो घर पर हैं? जी हाँ, अंदर आइए। तुम दोनों बाहर ही रुको। जनरल हुआ, ये सब कैसे हो गया? कुछ भी नहीं, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये एक मामूली मोच है। वो तो बस में बर्फ में फिसल कर गिर गया था, बस इतना ही। मुझे खुशी है कि आपकी चोट गंभीर नहीं है। ये मुख्यालय से आपके लिए आदेश है, दुश्मन ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है, स्थिति बहुत खराब है, आपको 3 दिन के अंदर वापस मुख्यालय में आना होगा। मैं आशा करता हूँ कि इतने समय में आप ठीक हो जाएंगे। अब मुझे जाना चाहिए जनरल, हालात बहुत खराब हैं। अलविदा, आप अपना ख्याल रखिएगा। बेकार की बातें मत करो, अपनी हालत देखो, तुम ऐसी हालत में लड़ नहीं सकते, पहले अपना पैर ठीक तो होने दो। आप ऐसी हालत में दुश्मनों से लड़ाई नहीं कर सकते हैं, ये काफी खतरनाक है। अगर आप अपने पैरों पर चल नहीं पाएंगे तो तलवार का उपयोग कैसे करेंगे? देखा तुमने, मैं खड़ा हो सकता हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपने देश के ऊपर आक्रमण करने वाले दुश्मनों से लड़ भी सकता हूँ।
की बेटी हूँ, किससे मिलना है? मैं जनरल हुआ से बात करना चाहता हूँ। सेना मुख्यालय के जनरल ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। क्या हुआ ऑफिसर, सीमा पर युद्ध के हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं क्या? मुझे आपको सूचित करने का आदेश दिया गया है कि अब आपको काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है जनरल। आपकी शारीरिक स्थिति के कारण किसी और को नियुक्त कर लिया गया है। लेकिन मैंने उन्हें बताया था कि ये केवल छोटी सी मोच है, यह बिल्कुल ठीक हो गई है। मुझे काम पर आने से रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ? ये सिपाहियों के कपड़े तुमने क्यों पहने हैं मुलन? मुलन? ये मुलन है, ये मुलन है, मुझे पता था। खैर, आज तुमने वाकई मुझे मूर्ख बना दिया। ये बहुत चालाकी से तुमने किया, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आखिर ऐसा किया क्यों मेरी बच्ची? मैं आपकी जगह पर मुख्यालय जाना चाहती हूँ पिताजी। तुम जानना चाहती हो कि मुझे तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी कितनी पसंद है मुलन? लेकिन तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि वुशु कला का इस्तेमाल देश के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध में कर सको। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप मुझे वुशु की शिक्षा बचपन से दे रहे हैं और आप ही कहते हैं कि पूरे क्षेत्र में मुझे कोई हरा नहीं सकता। हाँ, वो सबसे अच्छी है, आपने मुझे बताया था, और आप तो कभी झूठ नहीं बोलते ना। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्यों नहीं चाहता कि तुम मेरी जगह युद्ध में जाओ। अब क्या करने जा रहे हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम युद्ध में कितनी अच्छी हो। तुम और मैं लड़ने जा रहे हैं, और अगर मैं जीत गया तो तुम वादा करो कि तुम सेना में जाने का अपना सपना छोड़ दोगी। अगर आप जीत जाएंगे तो। हरा दिया पिताजी, अब क्या कहेंगे? तुम जीत गई मुलान। तुम अच्छा लड़ी, लेकिन अगर मेरे पैर में दर्द नहीं होता तो मैं अपने पैरों पर तेज होता और तुम कभी नहीं जीत पाती। बिल्कुल नहीं जीत पाती पिताजी, लेकिन अब मैं जा सकती हूँ आराम से। तुम नहीं जा सकती। क्या मतलब है आपका? आप ही ने कहा था कि अगर मैं जीत जाऊंगी तो मैं जा सकती हूँ। मैंने ये कहा था कि अगर मैं जीता तो तुम्हें सेना में जाने का अपना पागलपन छोड़ना होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि अगर तुम जीती तो तुम युद्ध में मेरी जगह पर जा सकती हो। मेरे साथ शब्दों से मत खेलो। तुम क्या कर रही हो? मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा पैर ठीक है, मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा, ये सिर्फ सुन्न हो गया है, समझी तुम? मैं कल सुबह ही रवाना हो जाऊंगा, और अगर हम खुशकिस्मत हैं तो इससे मूलन को ऐसा सबक मिलेगा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता हमसे कहाँ गलती हुई। ये लड़की हमारी मौत का कारण बनेगी, देख लेना।
काम करो, संदूक से मेरा कवच निकालो। आपका कवच यहाँ तो नहीं, शायद आपने कहीं और रखा है। क्या? ये नामुमकिन है। मुझे पता है, ये मूलन ने ही किया है और वो पहले ही निकल गई। ओह, तुम्हें क्या हो गया है मेरी बेटी? आज से मेरा नाम हुआ मुली होगा, एक ऐसा नाम जो दुश्मनों के दिलों में भय भर देगा। वे लोग कांपने लगेंगे हर बार मेरा नाम सुनके। ये एक खूबसूरत नाम है, सब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। क्या बात है हुआ मुली, मुझे लगता है कि ये सही है। अगर नाम लेने से दुश्मन डरने लगे तो मैं दुनिया का सबसे भयभीत योद्धा हूँ। किसने कहा ये? बाहर आओ, हिम्मत है तो सामने आओ। हे हुआ मूली, अरे मैं इधर नीचे हूं, देखो। अच्छा तो तुम हो, तुम्हारा नाम क्या है? मानो या ना मानो, मेरा नाम ड्रैगन है और मैं इस इलाके के उत्तरी छोर की तरफ जा रहा हूँ। सच्ची? मैं भी, मैं हमलावरों से लड़ने जा रही हूँ। लेकिन तुम वहाँ क्या करोगे ड्रैगन? मैं रोमांच की तलाश करने जा रहा हूँ और मैं न्याय के लिए अपनी सेवा अर्पण करना चाहता हूँ। अगर मेरी मानो, तुम अभी भी बहुत छोटे हो किसी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। तो तुम्हारा ख्याल है मैं जंग लड़ने के लिए बहुत छोटा हूँ? और तुम्हारा क्या? तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर मुझसे कभी जीत नहीं पाओगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? चलो अब देखते हैं तुम्हारी जीभ कटने के पहले तुम कैसे भाग पाते हो। उसे देखो। कायर, आपसे मिलकर अच्छा लगा हुआ मूली। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ दुश्मनों से लड़ने के लिए आ सकता हूँ। शुक्रिया, और मैं माफी मांगती हूँ, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी। उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे पता है कि एक अच्छे योद्धा में थोड़ा बहुत अहंकार तो होता ही है। तो ठीक है, तो अब हम चलें, बहुत सारे रोमांच हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे क्या तुम सच में मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं पैर पे चल के तुम्हारे साथ चलूंगा? हाँ? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम हमारे पीछे उड़ कर आओगे? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो? मैं तभी उड़ता हूँ जब शिकार करता हूँ।
आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जनाब। मुझे लगता है कि अब हम जल्दी अलग नहीं होने वाले। रुको, हम आज की रात यहीं रुकेंगे चिली। रात होने ही वाली है और ये जगह भी अच्छी है रुकने के लिए। सोने के लिए मैं भी कोई अच्छी जगह ढूंढता हूँ। नहीं रुको, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरा नाम ज़ियोंग पैंग है। मैं एक सैनिक हूँ और जनरल ज़ाओ के नेतृत्व में काम करता हूँ। देखिए, मुझे रास्ते में ये घोड़ा दिखाई दिया और मुझे लगा कि ये किसी दुश्मन का है। वैसे एक बात बताइए, मैंने आपको कभी इस शिविर में देखा नहीं, आपका नाम क्या है? मैं इस शिविर में कभी नहीं आया। मेरा नाम हुआ मुली है और मैं जनरल ज़ाओ की सेना में शामिल होने के लिए मुख्यालय जा रहा हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे इस बात की खुशी है कि हम दोनों एक ही दुश्मन से लड़ रहे हैं। चलो मैं तुम्हें शिविर में लेकर चलता हूँ। हाँ, अपनी आंखें खुली रखना क्योंकि आसपास बहुत सारे दुश्मन हैं। मैं एक अच्छे लड़ाई लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मुझसे जो लड़ेगा वो पछताएगा। क्या तुम तैयार हो चली? तुम्हारा काम हमसे आगे उड़ना है और अगर खतरा दिखे तो हमें सूचित करना। हाँ,
वाह क्या बात है, क्या ये सारे जानवर आपके दोस्त हैं? हाँ, पर ये तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या ये आपसे बात करते हैं और आप इनकी भाषा कैसे समझ पाते हैं? एक बात कहूं कि मैं जिंदगी में पहली बार इतने अजीब इंसान से मिल रहा हूं। सुनो दोस्त, तुम अपने पैरों की आवाज थोड़ी कम करो और अगला मोड़ आने पर रुक जाना। क्या हो रहा है, तुम्हें कोई समस्या दिख रही है क्या? कुछ मुसाफिर मिलने वाले हैं और सब कुछ ठीक रहा तो हमारे दोस्त को हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। अरे रुको जरा, क्या हो रहा है, थोड़ा सा धीरे चलो, तुम लोग मेरे लिए रुको तो। परेशान कर दिया मुझे, आखिर क्या चल रहा है? रुको रुको, क्या मुझे कोई बताएगा हम इस तरह से क्यों भाग रहे हैं? उस पेड़ के पीछे रुको। तुमने मेरे कान में अगर चिल्लाया तो मैं तुम्हें जमीन पर फेंक दूंगा। क्या कोई मुझे बताएगा कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? अगर तुम मुझे उतार कर जमीन पर रखती हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ हुआ मूली। वो उधर है, मैं देख सकता हूँ, वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। वो क्या कह रही है? वहाँ 3 से 4 दुश्मन सैनिक हैं जो हमारे एक अधिकारी का पीछा कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं घाटी के दूसरी तरफ जाकर छिप जाऊँ और इस तरफ से तुम रस्सी को पकड़े रहना। हम इस रस्सी को तभी खींचेंगे जब वो इसके बहुत पास आ जाएंगे ताकि वो फंस के इसमें गिर जाएं। फिर तुम आना और उन्हें खत्म कर देना। वाह, ये असली हिम्मत वाला काम। अरे नहीं, वो तो दुश्मन के सैनिक हैं। लगता है मेरे दोस्त बहुत भयानक खतरे में पड़ने वाले हैं, मुझे उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। हो मूली? मैं तैयार हूं ड्रैगन। अब खींचो मूली।
तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है, तुम अकेली काफी हो। मगर याद रखना, मारना नहीं है उन्हें, सिर्फ कैदी बनाओ। जनरल जाओ के अधिकारियों को कुछ सवाल पूछना होगा इनसे। घबराओ मत मूली, जियांग पेंग आ चुका है, अब उन्हें और मौका नहीं मिलेगा। इससे भी तेज भाग सकते हो, अपनी पूरी ताकत लगा दो, किसी भी कीमत पर उन्हें पकड़ना होगा। अपनी सवारी खो दी है, मेरे लिए रुको। ये हुई ना बात मूली, हमारी पहली मुठभेड़ में हमने दो लोगों को बंदी बनाया। अब तुम देखना शिविर में हमारे साथ योद्धाओं की तरह बर्ताव होगा। हे मूली, मुझे अब पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब मैं भी घुड़सवारी करूंगा।
जरा देखो वहाँ पर हमारे लिए कौन इंतजार कर रहा है मुली। वो है जनरल ज़ाओ के मुख्य सलाहकार मुली। मैंने उसे पहचान लिया ज़ाओ पैंग, वो वही अधिकारी है जिनका शत्रु सैनिक पीछा कर रहे थे। हमने एक बहुत ही जरूरी व्यक्ति को बचाया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दुश्मनों से मेरी जान बचाई। मुझे आप माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपका साथ लड़ाई में नहीं दिया था। मुझे आदेश मिला था एक गुप्त संदेश पहुंचाने का जनरल ज़ाओ के पास जितनी जल्दी हो सके। जनरल बहुत खुश होंगे आप लोगों का नाम जानकर, क्योंकि आपने दुश्मनों को पकड़ने में बहुत बहादुरी दिखाई है। मैं एक साधारण सा सैनिक ज़ाओ पेंग हूं कैप्टन। मैं सेना में 6 महीने पहले भर्ती हुआ और तब से मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूं और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरा नाम हुआ मुली है। मैं जनरल की सेना में शामिल होने के लिए मुख्यालय जा रहा था। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हुआ मुली। आप अपने लड़ने की कुशलता का इससे अच्छा उदाहरण नहीं दे सकते थे। अगर आप हमारे साथ काम करना मंजूर करें तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम खुश हैं काम करने के लिए कैप्टन। ठीक है, पहला आदेश ये है कि तुम लोग जाकर आराम करो, जो तुम्हारा हक है। अब मेरे साथ आओ हुआ मुली। चलो मैं तुम्हें अपने डेरे में ले चलता हूँ, वहां मेरे दोस्तों से मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। जल्दी आओ हुआ मुली, यह है हमारा डेरा। उठ जाओ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे नए सैनिक से मिलें। इसका नाम है हुआ मुली और ये बहुत ही बढ़िया तलवारबाज है। कैसे हैं आप हुआ मुली? आपसे मिलकर खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे सुनो, थोड़ा सा पीछे हटो, हमें हुआ मुली के रहने के लिए जगह बनानी होगी। अब से वो यहीं रहेगा। अरे नहीं रुको, मुझे आप लोगों की जगह नहीं चाहिए। मैं दूसरा शिविर में रह लूंगा जो मैंने बाहर देखा। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत सारी जगह है आपके लिए और मेरे लिए भी। वैसे भी हम एक समूह है, हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। शुक्रिया ज़ाओ पैंग, मैं सच में यहाँ सोना चाहता हूँ, मगर अगर तुम्हें सोना है तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कृपया मुझे जाने दो यहाँ से। पर पता है तुम लोगों को, दुर्भाग्य से मैं बहुत ही जोरदार खर्राटे मारता हूँ जो मैं आप लोगों को सुनाना नहीं चाहता हूँ। अरे ज़ाओ पैंग, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है तुम्हारे इस नए दोस्त के साथ। हाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है, वो कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। वो कोई साधारण सा सैनिक नहीं लगता, ऐसा लगता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है। बताओ मुझे क्या लग रहा है, उसे हमारी जासूसी करने के लिए भेजा गया है, इसीलिए वो अकेले दूसरे तंबू में गया है। हाँ सही कहा तुमने, सही कह रहे हो। वैसे अगर वो एक जासूस है तो हमारा ये फर्ज है कि हम इसके बारे में कुछ करें। ज़ाओ पैंग, तुम ही उसे यहाँ लेकर आए हो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसके बारे में तुम पता लगाओ। मुझे उसकी खर्राटे वाली बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जाओ उसके तंबू में जाकर देखो, अगर वो एक जासूस है तो तुम्हारा फर्ज है कि उसे खत्म कर दो।
अरे रुको, क्या कर रहे हो? मैं हूँ ज़ियांग पैंग। तुम मेरे शिविर में बिना बताए क्यों आए साओ पैंग? तुम मुझे चोर या खूनी लगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम बिस्तर पर अभी भी इन कपड़ों में क्यों सो रहे हो? कपड़े पहनकर सोना मेरी आदत है बचपन से। इससे मेरे माता पिता को बहुत गुस्सा आता था, उसके लिए मेरे माता पिता ने मुझे मारा भी है। वहाँ क्या हो रहा है साओ पैंग? डैडी भाग गए हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। जल्दी, हम उन्हें खो नहीं सकते, वो हमारे कैदी हैं और ये हमारा फर्ज है कि हम उन्हें वापस पकड़ के लाएं। चलो जल्दी। अरे जल्दी करो, तम्बू की तलाशी लो। अरे मुलन रुको, ड्रैगन किधर है? तुमने उसे शिविर में ही छोड़ दिया। अरे हाँ, लेकिन अब हम वापस नहीं जा सकते, वो भागे हुए कैदी कितने आगे निकल गए होंगे। वो बहुत होशियार है और यहाँ से बहुत ही चालाकी के साथ भागे हैं, लेकिन उनमें से किसी एक ने गलती कर दी। ये देखो, ये पैरों के निशान अभी तक मिटे नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत दूर नहीं गए होंगे। अरे वो परछाई से तुम्हें डर ही गई थी, लेकिन वो तो चिल्ली है। मुझे लगता है कि वो पहाड़ की दूसरी तरफ होंगे। चलो चलते हैं। कोई निशान नहीं, वो लोग इतने भी पास नहीं जितना हमने सोचा। लेकिन मुझे लगता है मूली, वो लोग जरूर कहीं आसपास ही छुपे होंगे। मूली, वो लोग इस जगह से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। चलो नीचे जाकर देखते हैं, लेकिन चौकन्ने रहना और अपनी आंख खुली रखना। नीचे उतरो, चिली ने कुछ देखा है। Ah! Ah! Ah!
ये तो उजल है, हमें बचाने के लिए तुमने अपनी जान दे दी दोस्त। तुम अपने साथ उस तोते को भी ला सकते हो, तुम्हारे लिए एक अच्छा खाना रहेगा वो, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम कैदियों के ऊपर खाना बर्बाद नहीं करते। चलो चले, हम इसे अपने ठिकाने पर लेके चलते हैं। हुआ मोली, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करता हूँ लेकिन मैं एक और अच्छे योद्धा को बिल्कुल नहीं खोना चाहता हूँ। फिर भी मैं तुम्हारी बात रखते हुए तुम्हें ये काम करने की इजाज़त देता हूँ। शुक्रिया जनरल साओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं साओ पैंग को जिंदा लेके आऊंगा। तुम्हारा अंतिम संस्कार एक महान और बहादुर सैनिक की तरह होगा। तुमने देश के लिए कुर्बानी दी है। क्या हम अपने आप आए? तुम्हें बात करना आता है? मैं सोचता था कि तोता सिर्फ शब्दों की नकल ही कर सकता है, लेकिन तुम तो बात करते हो। मेरा बात करना तुम्हें पसंद नहीं आया? अरे मुझे माफ कर दो, तुम गुस्सा मत हो। तुम्हें बोलता हुआ देखकर मैं हैरान हूँ। मुझे लगा था कि तुम मर गए हो, लेकिन तुम तो जिंदा हो और बात भी करते हो। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? सब लोग मुझे उजल बुलाते हैं, लेकिन मेरा असली नाम जमाइमा है। ऐसा? ओह शुक्रिया, मैं बस एक कैदी से इतनी उम्मीद कर रहा था कि वो मुझे समझने की कोशिश करे। अरे मुझसे गुस्सा मत हो, मैं तुम पर नहीं हंस रहा था। मुझे पता है कि तुमको कैसा महसूस हो रहा होगा। देखो मुझे भी कभी कोई असली नाम से नहीं बुलाता, मुझे प्यार से सब ज़ियाओपेंग बुलाते हैं, जिसका मतलब है गोल मटोल गाल। ये अच्छा है ना, तुम्हारी और मेरी नाम की कहानी बिल्कुल एक जैसी है ना? ए मूली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाओगे भाग्य के भरोसे। मुझे माफ कर दो ड्रैगन, मगर तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी दुखी हूँ। सौपन को कैद कर लिया गया और रूजू नहीं रही। अरे दे दे दे, तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे हो। क्या तुम भूल गए कि तुम हुआ मूली हो, एक बहादुर सैनिक? नहीं नहीं, मैं नहीं भूली, लेकिन मैं एक साथ दो दोस्त नहीं खो सकती ड्रैगन। लेकिन मैं इसका बदला जरूर लूंगी। कल तुम्हारी मदद के सहारे सौपैंग को आजाद करूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा भरपाई करोगे, वो भी आधाई सही? मैंने आपको बताया था, बेचारी उजू ने सैनिक पर हमला किया और उसमें वो मारी गई। सौपैंग को आजाद करने का यही मौका है। तुमने तो अपने दोस्त को बहुत कमतर समझ लिया है, वो सांप से भी ज्यादा चालाक है। चिंता मत करो, वो जिंदा है, वो सौपैंग के साथ ठीक है। तुम्हें कैसे पता? मेरा मतलब मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? क्या मतलब है तुम्हारा मुझे कैसे पता, जरा अपना दिमाग लगाओ। अब तक तो तुम्हें मेरी छठी इंद्री पर भरोसा करना चाहिए था। क्यों हुआ मूली? हाँ तुम सही हो, मुझे माफ कर दो ड्रैगन। ये हुई ना बात, अब मुझे बताओ तुम्हारी योजना क्या है। We'll be right back.
किस्मत हमारे साथ है मुली, ये कद में भी तुम्हारे जितना ही है, फौरन उसके कपड़े पहन लो। हम आग लगा देंगे जैसे ही चांद आसमान में सबसे ऊपर आ जाएगा। तुम दाएं तरफ से शिविर में आग लगाना, मैं दूसरे तरफ से आग लगा दूंगा। तुम घोड़ों को तैयार रखना जब तक मैं साओपैंग को आजाद करा लूंगा। मुझे तुम्हारी योजना पसंद आई हुआ मुली। हाँ, भागो भागो, आग लग गई, भागो, जल्दी पानी लो, पानी लो, आग बुझाओ, और पानी लाओ, जल्दी करो, जल्दी पानी लाओ, पानी लाओ। साओपैंग। अरे मूली, तुम, मुझे पता था तुम हमें छुड़ाने आओगे। चलो चले, ड्रैगन हमारा इंतजार कर रहा है। क्या ड्रैगन जनरल ज़ाओ का आदमी है? नहीं, वो बस एक बड़े सर वाला कछुआ है। चलो जल्दी से चलते हैं। रुको, ड्रैगन और मैंने एक योजना बनाई है जनरल बियर के लिए। मुझे देखना है ये काम करती है या नहीं। जल्दी पानी लाओ, बहुत आग लग गई है। कैदी भाग गया, कैदी भाग गया। आग की चिंता मत करो, कैदी को पकड़ो पहले। कोई भी कैदी हमारे चंगुल से आज तक भागा नहीं है। मेरे घोड़े को लेकर आओ। बहुत अच्छे, जाल में फंस गए। हम चाहते हैं कि वो हमारा पीछा करे। कैदी होने से अच्छा मत जाओ।
आज का ये जाम हमारे इस नौजवान बहादुर सिपाही के नाम, जिसके हौसलों की वजह से दुश्मनों के छक्के छूट गए और जीत हमारी हुई, हुआ मूली के नाम, हुआ मूली के नाम। ये मेरा 50वां जाम है, ये शायद उससे ज्यादा मुझे याद नहीं। तुम्हें अब सोना चाहिए। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं एक लड़की हूँ। तुमने इतनी ज्यादा पी ली कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम इस वक्त क्या बोल रहे हो। तुम्हें अब नींद की जरूरत है। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैं इतने नशे में थी कि मैंने सौपेन को सब सच बता दिया। वो भी नशे में था, शायद उसे कुछ याद नहीं होगा। अब कैसे हो मूली? कल रात तुम इतने नशे में थे कि तुमने अपने आप को लड़की बना दिया। ज्यादा जाम कुछ भी बुलवा सकता है। हाँ, मैं तुम्हें दोस्ती की निशानी के नाम पर एक तोहफा देना चाहता हूँ मूली। ये खंजर मुझे मेरे पिताजी से मिला था। शुक्रिया सौपेंग, ये बहुत अच्छा है, मैं इसे अपने पास हमेशा रखूंगा। अब हमें घर चलना चाहिए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पीठ का घाव अभी तक भरा नहीं है। यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं मूली। तुम मेरे अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने भी आऊंगा। अलविदा सौपेंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मुझे नहीं लगता हम कभी मिलेंगे। तुमने कैसे दुश्मनों के सैनिकों को हराया, ये खबर पूरे गांव में फैल गई है, इसलिए बहुत से लोग तुमसे मिलने के लिए आए हैं, तुम्हारी कहानी के बारे में सुनना चाहते हैं। तुम्हें घर आए 3 दिन हो गए हैं, तुम गांव में सभी से मिल सकती हो। नहीं, आज नहीं, मैं शायद कल जाऊंगी, अभी मैं टहलने जा रही हूँ। मुझे इसकी फिक्र हो रही है, ये पहले से भी अजीब बर्ताव कर रही है, क्या होगा इसका? हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, बस अपना घोड़ा दे दो और अपने कपड़े और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। देखो देखो, मुझे मारना मत, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मारना मत, हम पर दया करो। मेरे नजरों से दूर हट जाओ और वापस आना मत, अगली बार मैं रहम नहीं करूंगी, समझे? तुम हुआ मूली की बहन हो क्या? नहीं सौपेंग, मैं हुआ मूली की बहन नहीं, मैं हुआ मूली हूँ।
दरअसल वो मेरा नाम था जब मैं सिपाही बनने का नाटक कर रही थी। मेरा असली नाम हुआ मूलन है और मैं उस रात सच बोल रही थी जब मैं नशे में थी। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूंगी। साओ पैंग, मुझे कुछ और भी तुमसे कहना है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो कमाल हो गया। मुझे भी तुमसे प्यार है। अलविदा मुलन, जाओ पैंग, अब तुम्हारे पास अपनी जिंदगी खुशी से जीने के लिए, और अब मैं निकलता हूँ अपने नए रोमांच की तलाश में। आज तक मैं जिनसे भी मिला हूँ उन सब में तुम सबसे बेहतर सिपाही हो। शायद एक दिन मैं वापस आऊँगा और तुम्हारे बेटे को एक नई रोमांचक कहानी सुनाऊंगा।